स्वागत है मित्रों यूएफओ किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं दल टिक्की। इसको गुजरात में दाल की ढोकली भी कहते हैं और यूपी में दल टिक्की बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये दाल ले ली है तुअर की, 1 कप दाल ली है। इसके अंदर हम ये 3 कप पानी डालेंगे इसके बराबर। ये हमने धो ली थी दाल, तो आप भी धो लीजिएगा इसको और इसमें 3 कप पानी डालते हैं। ये देखिए, और साथ में एक मीडियम आकार का टमाटर ले लिया था वो डाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक ले लिया है और थोड़ी सी हल्दी। अच्छा देखिए, ये डालने के बाद में इसको ऐसे मिला लीजिए और मिलाने के बाद गैस ऑन करिए और इसको बंद करिए, और जब 1 सीटी आ जाएगी तब हम इसको ऑफ करके और इसका स्टीम रिलीज़ कर देंगे। अच्छा देखिए, जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है तब तक हम टिक्की की तैयारी कर लेते हैं, यानी ढोकली की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने आटा ले लिया है, करीबन 1.25 कप है ये इस कप के हिसाब से, और इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये देखिए, नमक डाल दिया और एकदम जरी सी अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, वो अजवाइन डाल दी, और इसके अंदर हम थोड़ा तेल डालते हैं, ये 3 चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हींग डाल दी। अब इसको रोटी के आटे के समान हम इसको गूंथेंगे। अच्छा देखिए, हमारा आटा हमने सान लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि ये सब जितने मसाले वो जज्ब हो जाए आपस में और आटा तैयार हो जाए टिक्की बनाने के लिए। आप इसको अगर थोड़ा मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप इसमें धनिया, जीरा, थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्ची पीस के मिला सकते हैं। ये आपकी इच्छा, आप कैसा खाना चाहते हैं। ये मैंने एकदम सादा सादा सा बनाया है और बड़ा अच्छा लगता है खाने में। बाकी स्वाद दाल का रहता है, इसलिए सादा भी बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा बनाने में। अब देखिए, इसको हम बनाते हैं आगे। अच्छा देखिए, इसमें 1 सीटी आ गई हमारे कुकर में और मैंने तुरंत इसको बंद कर दिया है, और अब इसको मैं इसमें से जो स्टीम है उसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ। ये देखिए, ऐसे स्टीम निकालते चलेंगे फिर। अच्छा देखिए, आटे की हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे एक लोई बना ली और उसको ऐसे पेड़ा बना के इसका, और इसको ये आटे में ऐसे लगा के और उसको बेल देंगे। ये देखिए, बेल के तैयार हो गई। तो इतनी बड़ी बड़ी इसकी रोटियाँ बनाइए आप, और डालते समय इसको ऐसे उठा के और ऐसे एक कटोरी जैसा बना के ढंग से, और ऐसे डालेंगे इसको दाल के अंदर। तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये दाल का हमने स्टीम निकाल लिया था उस समय। अच्छा, ये तो हमने दाल खोला, देखिए दाल इतनी बढ़िया हो गई हमारी। ये रफली हमारी 80% दाल पकी हुई है। अच्छा, ये दाल को हम क्या करेंगे, अब दाल थोड़ा चला लेंगे, मिक्स हो जाए इससे दाल। और इसमें देखिए पानी कम लग रहा है हमें, तो इस लेवल पे आके हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे, और गर्म पानी मिलाइएगा इसमें। तो मैं गर्म पानी मिलाता हूँ। अच्छा देखिए, दाल इस कंसिस्टेंसी पर हमने ला दी है। अब इसको हम यहाँ गैस ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल उबलना शुरू हो गई लगभग। अब इसके अंदर हम ये जो ढोकली हमने बनाई है उसको ऐसे कर करके और इसके अंदर डालते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमने सब डाल दिया, और ऐसे कर करके आप सारी डाल दीजिएगा। और अगर कोई खुल भी जाती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, और ये दाल उबलती रहेगी और ये पकता रहेगा साथ में। ये देखिए, ऐसे करा और इसको ये डाल दिया, इसको चला दीजिए। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, ये उबलना शुरू हो गया। अब इस समय हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन इस पर लगा देंगे बिना सीटी के। अब सीटी नहीं लगाएंगे इसमें, और इसको बंद कर दीजिए और करीबन 7 से 10 मिनट के बीच में इसको पकने दीजिए। तो इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट के बीच में हम मीडियम आँच पर उबलने देंगे। अच्छा देखिए, जब तक हमारी दाल वहाँ तैयार हो रही है, हम इसको क्या करते हैं, उसके लिए छोंक का, बघार का जो है वो इंतज़ाम कर लेते हैं। मैंने घी ले लिया, थोड़ा सा 2 चम्मच घी है, इसको हम गर्म कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए, हमारा घी गर्म हो गया फर्स्ट क्लास। इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा, ये कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास खड़ी, उसको मैंने तोड़ लिया है 4 टुकड़े में, एक कश्मीरी लाल मिर्च है ये, उसको डाल लेते हैं, थोड़ा सा पकने देते हैं इसको। अच्छा इसके अंदर अब हम ये लहसुन है, लहसुन को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए, उसको डाल लेते हैं, चला दीजिए इसको थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा पक जाने दीजिए इसको। ये देखिए, हल्का हल्का
लाल होने लगा इस समय इसमें हम एक प्याज डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसको अब हम गुलाबी होने तक पकाते हैं। ये देखिए सब प्याज हम गुलाबी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और प्याज हो जाए फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया गुलाबी प्याज तैयार हो गई है, अब इसमें हम ये एक टमाटर डाल लेते हैं। और इस टमाटर को एकदम फुल्ली कुक करेंगे तब तक पकाते हैं इसको। अच्छा इस बीच में हम इसमें ये हरी मिर्च भी डाल लेते हैं, एक हरी मिर्च थी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हमने। ये देखिए हमारा टमाटर पक रहा है, इसके अंदर अभी भी कसर बाकी थोड़ी सी, इसको पकने देते हैं इसमें। अच्छा ये देखिए हमारा बघार तैयार है, अब इसको हम वो जो हमने दाल ढोकली बनाई है उसके अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा दाल ढोकली एकदम तैयार हो गया, ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास तैयार हुआ है। इसके अंदर अब हम ये जो बघार हमने बनाई है उसको मिला देते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा मीडियम से लो पे कर देते हैं और इसके अंदर ये बघार जो है वो डाल देते हैं। ये देखिए हमने इसमें बघार मिला ली पूरी, और थोड़ा सा इसको धनिया से गार्निश कर देते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। धनिया थोड़ी सी अभी मिला देते हैं और फिर डिश आउट करके फिर थोड़ा सा गार्निश करेंगे धनिया से। ये देखिए अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। तो ये देखिए क्या बढ़िया बन के आई है हमारी दाल टिक्की, या इसको दाल की ढोकली भी कहते हैं। तो फिर आप भी बनाइए और खिलाइए दाल की ढोकली, खाने वाले कहेंगे ये तो है स्वाद की पोटली। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ में।